नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रो मोर ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस में। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं स्टील सेक्टर की कंपनी जिसका नाम रामा स्टील ट्यूब है और मीडियम एंड स्मॉल कैप कंपनी है। गाइस, इसने प्रीवियस के कुछ ईयर्स में काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, जहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो आपके सामने है गाइस, 1450 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल एंड मीडियम कैप की कंपनी है गाइस। और बुक वैल्यू है 14 की और प्राइस टू बुक वैल्यू है 11.39 की। और जो इसने पास्ट ईयर में रिटर्न दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 5 ईयर्स में 331% के रिटर्न दिए हैं, 3 सालों में इसने 1400% के रिटर्न दिए हैं, 2 सालों में 1764% के रिटर्न दिए हैं, 1 ईयर में 222% के रिटर्न दिए हैं, 6 मंथ में 104% के रिटर्न दिए हैं, 3 मंथ में 84% के रिटर्न दिए हैं, 1 मंथ में 48% के, 1 वीक में 25% के, और ईयर टू डेट में 135% के रिटर्न दिए हैं गाइस। तो रिटर्न वाइज तो काफ़ी अच्छी है कंपनी दोस्तों, इसमें मल्टी बैगर बनने की काफ़ी कैपेसिटी है। जो दूसरा हमारा फंडामेंटल पैरामीटर है गाइस वो आपके सामने है, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। दिस ईयर्स में आप कंसिडर करेंगे, चाहे 2018 में 12 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, और फिर प्रॉफिट कम हुआ 2005 में 5 करोड़ का रह गया, फिर 2020 में इसका नेगेटिव चला गया था प्रॉफिट ग्रोथ। वो इसलिए था क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लग गया था, तो वहाँ पे एक्टिविटी ठप हो चुकी थी, उस वजह से इसका नेगेटिव में रिटर्न शो कर रहा है। और 2021 में 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इसने, और 2022 में इसने प्रॉफिट जो दिखाया है 27 करोड़ का है, जो कि ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है गाइस। तो इस अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं EPS ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखाई दी गई है, ईयर ऑन ईयर काफ़ी बड़ा जंप आया है EPS में, अर्निंग पर शेयर में। तो उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो गाइस, इसमें आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अपनी छोटी सी कैपिटल लगा के एक बढ़िया कैपिटल में गेन करवा सकते हैं। जो इसका डेप टू इक्विटी रेशियो है 1.9 का है, जो 5 ईयर का सबसे हाईएस्ट है। तो उस अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्टिंग करके अपनी कैपिटल में गेन करवा सकते हैं। जो इसकी शेयर होल्डिंग है वो भी आपके सामने लगा देते हैं गाइस, जिससे कि और इसके फंडामेंटल पैरामीटर देखने को मिलते हैं कि आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। 65% हिस्सेदारी प्रमोटर की है, प्रमोटर ओनरशिप भी काफ़ी अच्छी है, और 5% इसमें FIs की है, और DIs की भी नेगलिजिबल होल्डिंग है इसमें। तो उस अकॉर्डिंग भी कंपनी काफ़ी अच्छी है गाइस। और ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।